नमस्कार जूनियर्स मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया सर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बीबीए का ये एक सब्जेक्ट है वैसे तो ये बीबीए और बीकॉम दोनों के अंदर ही पढ़ाया जाता है बट अभी फिलहाल बीबीए वाले बच्चों के लिए मैं बना रहा हूँ ये वीडियो और बीकॉम वाले बच्चे भी अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि ये दोनों का ही सिमिलर सब्जेक्ट है और सिमिलर सा ही सिलेबस है तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के सो आज हम लोग कवर करने वाले हैं जीएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब शुरू के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और आज हम लोग सबसे पहले तो देख लेते हैं कि भाई यूनिट वन के आपके क्या क्या टॉपिक्स होने वाले वाले यूनिट वन के अंदर आप लोग पढ़ने वाले हैं जीएसटी इन इंडिया के अंदर सप्लाई मतलब सबसे पहला टॉपिक हमारा सप्लाई ही आता है जीएसटी के अंदर सेकंड टॉपिक हमारा मिक्स्ड एंड कॉम्पोजिट सप्लाई थर्ड टॉपिक हमारा सर्विसेज अंडर जीएसटी फिर आता है हमारा लेवी एंड चार्ज ऑफ जीएसटी फिर आता है हमारा रेशनली ऑफ जीएसटी या फिर रेशनली ऑफ जीएसटी कुछ भी कह सकते हैं इसको हम फिर जीएसटी काउंसिल के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं जीएसटी काउंसिल क्या होती है ये सब मैं आपको बताऊंगा फिर जीएसटी नेटवर्क क्या है जीएसटी का एक प्रॉपर नेटवर्क बना हुआ है अगर आप लोगों को पता हो ऑनलाइन नेटवर्क है उनका एक फिर आता है हमारा प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन अगर मुझे उस ऑनलाइन नेटवर्क पर प्रोसेस मतलब मेरे को रजिस्ट्रेशन करना है तो उसका क्या प्रोसेस है फिर है हमारा पर्सनल और टैक्सेबल पर्सन एक पर्सन कौन होता है पर्सन मतलब एक सिंपल पर्सन नॉर्मल पर्सन टैक्सीबल पर्सन कौन सा पर्सन होता है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं और लास्ट आप लोग का पेमेंट टैक्स तो ये सिर्फ यूनिट वन के टॉपिक्स हैं अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये पूरी की पूरी जीएसटी का आपका सिलेबस है सा, तो ऐसा नहीं है सिर्फ यूनिट वन है आप ऊपर देख भी सकते हैं मैंने यूनिट वन ही लिखा हुआ है ठीक है सो so स्टार्ट करते भाई हम लोग जीएसटी के बेसिक पढ़ने से सबसे पहले मैं आपको पहले कुछ बेसिक्स पढ़ाऊंगा फिर हम सप्लाई मतलब पैरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेसिक्स में आप लोगों में सबसे पहले बता देता हूं कि जु, जुलाई 2017 के अंदर जीएसटी को लागू करा गया था किस लिए लागू करा गया था क्योंकि उस टाइम में ना बहुत सारे डिफरेंट टैक्सेस थे मतलब दो से पहले पहले बहुत सारे डिफरेंट टैक्सेस थे और ऐसा नहीं है जीएसटी को ये लोग सिर्फ और सिर्फ दो में ही लाने की कोशिश कर रहे थे मतलब जो मेन अभी जो गवर्नमेंट चल रही है हमारी रूलिंग पार्टी है वो बहुत ही पहले से ट्राई कर रहे थे कि हाँ जीएसटी को लाया जाए लाया जाए बट हाँ जो रूल था वो बार बार कैंसिल करा जा रहा था तो नहीं है कि आप लोग सोचते हैं ना रूलिंग पार्टी ने एकदम से जीएसटी ले आई थी तो जीएसटी एकदम से नहीं आया था अगर जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं फिर आप लोग भी क्योंकि रिसर्च भी कर सकते हैं जीएसटी का जो रूल है उसके बाद मतलब ये दो में जाके फाइनली लागू कर दिया गया था ऑल ओवर द इंडिया में और कब करा गया था जुलाई दो आप लोग मंथ और ईयर को याद रख सकते पूछा जाता है नेक्स्ट का कौन कौन से टैक्सेस को हटाया गया था और जीएसटी को लाया गया था हमारा वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स हमारा एक्साइज ड्यूटी सेल्स टैक्स सर्विस टैक्स परचेज टैक्स लग्जरी टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स ऐसे करके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस थे जिनके बदले में किसको लाया गया था जीएसटी को लाया गया था और जीएसटी क्या है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मतलब इतने सारे टैक्सेस को भरने से अच्छा है आप लोग सिर्फ एक सिमिलर टैक्स भरिए एक यूनिफॉर्म टैक्स होना चाहिए जो कि ऑल ओवर द कंट्री हर जगह पर चला जाएगा तो जीएसटी के तीन टाइप्स भी हैं जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं जो कि है सीजीएसटी एस और आई जीएसटी क्या होता है आप लोगों का सेंट्रल जीएसटी मतलब कि ये पैसा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में एस जी एस टी मतलब जो भी स्टेट है जिस भी स्टेट का वो पैसा होगा दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता मतलब जो भी स्टेट है उस स्टेट के हिसाब से वहां पर पैसा चला जाएगा थर्ड है हमारा आईजीएसटी देखो अब इनका ना मैं आपको डिफरेंस बता देता आई आईजीएसटी होता है हमारा इंटीग्रेटेड तो इनका डिफरेंस क्या होता है सीजीएसटी एसजीएसटी हम हमेशा ना आप लोगों के साथ में लगते हैं कभी भी आप अगर देखेंगे कभी अगर आप मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ जैसे कि सो so दिल्ली से अगर कुछ भी सामान खरीदता हूँ फिर आप लोग भी मोस्टली मेरी जो ऑडियंस है वो दिल्ली की ही है तो आप लोग कभी भी देखना कोई आप किसी प्रीमियम स्टोर से अगर कोई सामान खरीदोगे मतलब कोई भी ऐसा स्टोर जो जीएसटी रजिस्टर्ड है उससे अगर आप एक सामान खरीदते हैं और वो आपको जीएसटी की रिसिट देते हैं तो आपको वहां पर देखिएगा जीएसटी लगा हुआ है सीजीएसटी और एसजीएसटी बट सेम सामान अगर आप लोग ना मुंबई की जगह या फिर मतलब दिल्ली की जगह मुंबई या फिर पंजाब या फिर हरियाणा कहीं से भी खरीदोगे या फिर कहीं से इंपोर्ट करवा लो दिल्ली के अंदर ठीक है किसी भी और स्टेट से अगर आप मंगाओगे तो उसके ऊपर ये दोनों टैक्सेस ना लगे सिर्फ आई लगेगा तो आई लगता है इंटर स्टेट के अंदर मतलब मैं आप दूसरी स्टेट से अगर मंगाना चाहता हूं जिस स्टेट में मैं रहता हूं उसके अलावा किसी और स्टेट से मैं मंगाता हूं सो मेरा टैक्स लगेगा आई या फिर मेरा लगेगा सिर्फ वर्ष सी जी और एस सो ये हमारे तीन टैक्सेस है और कितने सारे मतलब ये तो मैंने जस्ट कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं बहुत सारे टैक्सेस को हटा के हमारा ये जीएसटी लागू करा गया था इसके कुछ फीचर्स भी हैं क्या क्या फीचर्स हैं सबसे पहला कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट मतलब इसके अंदर ना आई टी करके एक इनपुट टैक्स क्रेडिट करके आप लोगों का एक टॉपिक है जो कि नेक्स्ट यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे सो आई क्या होता है आप लोगों को आगे ही पता चलेगा अभी मैं आप लोगों को बता के थोड़ा सा घुमाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि शुरुआत में ही टीचर्स आप लोगों को ना बता देते हैं तो आप लोग ना थोड़े से दिमाग से ही मतलब ये हो जाता है कि यार ये क्या पढ़ लिया एकदम से ठीक है तो आई एक बड़ा टॉपिक है हम लोग उसको आगे कवर करेंगे इजी टॉपिक है ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है बट हाँ उसके अंदर ये एक प्रॉपर पॉइंट आएगा आपका कंटिन्यूस चेंज ऑफ क्रेडिट या आप आगे ही समझोगे नेक्स्ट है हमारा एक फीचर बर्डन ऑन फाइनल कंज्यूमर तो भाई देखो जीएसटी कौन सा टैक्स है अगर कोई भी आपसे पूछे जीएसटी एक इंडायरेक्ट टैक्स है तो जीएसटी इंडायरेक्ट है इस वजह से ही इसका जो फाइनल बर्डन होता है ना वो फाइनल कंज्यूमर के ऊपर ही पड़ता है पहले क्या होता था अगर मेरे को वैट पे करना है मेरे को कोई भी चीज पे करनी है मतलब वो सेल्समैन जो होता था वो भी पे कर रहा होता था मैं भी पे कर रहा हूँ कंज्यूमर भी पे कर रहा था तो ऐसे डबल टैक्सेशन हो जाता था उसी के चक्कर में हमारा क्या हुआ है जीएसटी लगने के बाद नो डबल टैक्स मतलब अब कोई डबल टैक्स नहीं लगेगा जिसने भी सामान खरीदा सिर्फ वही बंदा टैक्स भरेगा ये क्लियरिटी गवर्नमेंट ने कर दी ठीक है मतलब मान लो अगर मैं कोई सामान खरीद रहा जैसे मैंने ये माइक खरीदा ठीक है सो ये माइक जब मैंने खरीदा या फिर मान लो मेरा जो फोन है है या फिर जो जो भी चीज़ें मेरे पास है, मैंने वो खरीदी सो so, उसके ऊपर जीएसटी लगा है वो जीएसटी किसने पे किया सिर्फ और सिर्फ मैंने ठीक है दुकानदार ने मुझसे लेके आगे गवर्नमेंट को पास ऑन कर दिया तो ये एक डायरेक्ट टैक्स ऐसे है तो फीचर्स के अंदर आप एक और चीज़ लिख सकते हैं इंडायरेक्ट टैक्स है ठीक है मैंने अभी आप लोगों को बता दिया इसके अलावा जीएसटी एक यूनिफॉर्म टैक्स है जो कि ऑल ओवर द इंडिया लागू करा गया है ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टेट में जीएसटी नहीं लगता ऑल ओवर द इंडिया आप कहीं भी जाएंगे जीएसटी लगेगे, लगेगा फिर नेक्स्ट आता है ब, कुछ ना मैं मजेदार चीजें भी आप लोगों को पे बताने वाला पे आपको क्या लगता है जीएसटी लगता लगता है नहीं लगता? वैसे तो पे मैंने क्रॉस कर ही ही रखा है तो आप लोगों को समझ आ जाएगा एल्कोहल के ऊपर जीएसटी नहीं लगता कभी भी अगर आप लोग खरीदने जाएंगे अगर तो आप खरीदते होंगे तो आपको पता होगा देखो मैं तो मतलब नहीं जाता खरीदने सच सो तो मेरे को नहीं पता कि उस पर लगता है नहीं लगता बट हाँ मैंने जब पढ़ाई करी जीएसटी की तो मेरे को पता चल गया था कि एलकोल पर जीएसटी नहीं लगता है मतलब अगर आप खरीदने जाते हैं तो उस टाइम पर एक्साइज ड्यूटी और वैट मेरे ख्याल से उस लगता है बट जीएसटी उस पर नहीं लगता है प्रोडक्ट खरीदते हैं फिर टोबैको

सप्लाई के ना कुछ आठ फॉर्म्स है जो कि अभी मैं आप लोगों को याद कराने वाला हूं अच्छे से सुन के याद कर लो जिसके अंदर आता है हमारा सेल ट्रांसफर बाटर एक्सचेंज लीज रेंटल लाइसेंस डिस्पोजल इसको अच्छे से रट लो भाई क्योंकि यही एग्जाम के अंदर आप लिख के होगा अगर सप्लाई पूछा जाता है मुझसे भी सप्लाई के अंदर मतलब सप्लाई एग्जाम के अंदर पूछा गया था मैंने ये डेफिनेशन को ही लिख दिया था और उसके अंदर पूरे मार्क्स मिलते हैं और अगर आप सोच रहे हो भैया आपकी ना वीडियो में बहुत छोटा छोटा है कम कम है इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम के अंदर पंद्रह मार्क्स में इसको कैसे लिख के आएंगे दस मार्क्स में इसको कैसे लिख आएंगे साढ़े सात मार्क्स में कैसे लिख के आएंगे तो देखो भाई दस बारह पंद्रह जितने मार्क्स अगर क्वेश्चन आता है आप लोग इजिली लिख के आ सकते हो जो ये चीजें हैं मैं आपको अभी समझा रहा हूँ वीडियो बनाने का कंसेप्ट क्या है वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं मैं आपको क्यों समझा रहा हूं जो मैं हिंदी में समझा रहा हूँ वही चीज इंग्लिश में कॉपी पेस्ट करके आनी है आपको सिंपली यही आप लोगों को करके आना है अब मैं आप लोगों को इन आठों चीज़ों के मतलब समझाता हूँ सबसे पहले तो सेल का क्या मतलब है मैंने कोई भी चीज़ बेची उसको हम लोग सेल कहते हैं मेरे को रिटर्न में क्या मिलेगा कैश मिलेगा <coughs> ट्रांसफर का क्या मतलब है मेरी कोई जमीन थी मैंने अपने किसी भाई के नाम पे किसी भी रिलेटिव के नाम पे किसी बच्चे के नाम पे मतलब किसी के भी नाम पे मैंने कुछ चीज़ ट्रांसफर कर दी मैंने जमीन ट्रांसफर कर दी इसका एग्जांपल आप ऐसे जमीन का लिख सकते हैं या फिर मैंने मान लो मेरी कोई प्रॉपर्टी थी प्रॉपर्टी के अंदर हर चीज़ आ जाती है मतलब मेरा कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी थी मैंने उसको किसी के ऊपर ट्रांसफर कर दिया किसी के नाम पर ट्रांसफर कर दिया इसमें भी कैश तो इन्वॉल्व होगा ही होगा नेक्स्ट है बाटर बाटर के अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि बाटर के अंदर एक गुड लेना और दूसरा गुड देना होता है बाटर सिस्टम आप लोगों को याद होगा आप लोगों ने पढ़ ही रखा है बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि पहले के जमाने में लोग बाटर सिस्टम लेते थे मतलब होता था एक गुड दो दूसरा गुड ले लो सो so, बाटर सिस्टम वो होता है नेक्स्ट आप लोगों का एक्सचेंज अब एक्सचेंज क्या होता है एक्सचेंज थोड़ा सा डिफरेंट है आप लोगों का एक्सचेंज के अंदर मैं एक चीज दूंगा उसके बदले में मैं दूसरी चीज ले रहा हूं ठीक है बाटर सिस्टम ना पहले चला करता था और एक्सचेंज और बाटर ना आप लोगों को सिमिलर से लगेंगे बट ये एक्सचेंज और बाटर सिमिलर से नहीं है एक्सचेंज की जो एक्जैक्ट डेफिनेशन है वो बाटर से थोड़ी सी डिफरेंट है बाटर के अंदर में आता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट गुड्स ठीक है और एक्सचेंज क्या होता है भाई एक्सचेंज अलग चीज हो जाती है एक्सचेंज के अंदर मान लो मैं कोई चीज एक्सचेंज कर रहा कराऊँ किसी से ठीक है आप जरूरी नहीं है मैं गुड्स के बदले में एक्सचेंज करूँ मैं किसी और चीज के बदले में भी एक्सचेंज कर सकता हूं तो वहाँ पे बाटर एक्सचेंज मतलब बाटर और एक्सचेंज की डेफिनेशन अलग हो जाती है एग्जाम्पल अगर दूँ बाटर के अंदर मान लो मैंने राइस दिए और मैंने वेट खरीद लिया बट अगर मैं एक्सचेंज की आपको बताऊँ तो मान लो मैंने राइस खरीदे और रिटर्न में मैंने ना उस बंदे को मसाज दे दी ठीक है जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको नेक्स्ट आप लोगों का लीज़ और रेंटल इन दोनों को भी मैं साथ में समझा देता हूँ लीज़ और रेंटल क्या होता है रेंटल मतलब मान लो मैंने एक रूम ले रखा है जहाँ पे भी मैं आप लोगों के लिए ये वीडियोज़ बना रहा हूँ ये भी रूम रेंटेड ही है ठीक है तो अभी जो रूम है रेंटल है सो रेंटल मतलब क्या होता है देखो भाई रेंट आप लोग हर महीने के हिसाब से देते हैं अगर आप लोग भी मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं अगर आप में से कोई एक किसी रेंट के घर पे रहता है या फिर आपने कहीं पे रेंट पे दुकान ले रखी है कुछ भी ले रखा है रेंट अगर आप पे करते हैं वो पर मंथ का होता है और शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है रेंट ज्यादा टाइम के लिए नहीं मैंने भी जो इंस्टीट्यूट बना रखा है शॉर्ट टाइम के लिए मेरा बाद में पूरा खुद का बन जाएगा वो अलग बनेगा ठीक है और लीज़ क्या होता है लीज हम लोग लेते हैं जब कोई लंबे समय के लिए अगर मैं सेम रेंट पर ले रहा हूं बट लंबे समय के लिए ले रहा हूं तो उसको हम कहते हैं लीज पे लेना ठीक है मान लो मैं दस साल के लिए ले लिया कोई एक रूम या फिर कोई एक जगह उसको हम कहते हैं लीज पे लेना ठीक है नेक्स्ट आता है हमारा लाइसेंस लाइसेंस मतलब भाई देखो लाइसेंस का कोई भी काम अगर कर रहा है बंदा ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होगा उससे रिलेटेड मतलब ड्राइविंग लाइसेंस तो एक अलग चीज़ हो जाती है बट उसके रिलेटेड बहुत सारे भी होते हैं तो लाइसेंसिस का अगर कोई बिजनेस कर रहा है उसकी सप्लाई कर रहा है वो भी सप्लाई के अंदर इंक्लूड करा जाता है लास्ट आप लोग का डिस्पोजल मतलब कबाड़ी वाला जो कि आपका होता है ठीक है स्क्रैप का जो काम करते हैं उनको भी हम लोग ऐड करते हैं सप्लाई के अंदर तो ये आठ चीज़ें हैं अगर इनमें से आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप सप्लाई कर रहे हैं और आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा आगे डेफिनेशन देखते हैं मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इसका क्या मतलब है भाई इसका सिंपली सा यह मतलब है लास्ट की जो तीन लाइनें लिखी हुई हैं इनका सिंपली सा ये मतलब है आपको शायद ऑफ बिजनेस नहीं दिख रहा होगा लिख लेना लेकिन आपको अपनी कॉपी के अंदर ऑफ बिजनेस ठीक है लास्ट में <coughs> अब इसका क्या मतलब है इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इसका ये मतलब है कि आपका बिजनेस चल भी रहा होगा या फिर मान लो अगर आप बिज़नेस बंद भी कर रहे होगे तब भी आप लोगों को जितना उस टाइम तक का होगा सब जीएसटी पे करना पड़ेगा ज़रूरी नहीं है मैं ये कह दूं कि भैया बिजनेस तो चल ही नहीं रहा है बिज़नेस तो बंद होने वाला है ऐसा सब बहाने नहीं लगाए जाएंगे ठीक है सो ये आठ चीज़ों के ऊपर हम इनको सप्लाई मानती है सरकार इसको सप्लाई मानती है आठ में से अगर आप कोई भी एक काम करते हो तो उस पर जीएसटी लगेगा अब आगे बढ़ते हैं आगे है हमारा इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन सेक्शन सेवन वन बी इसके अंदर क्या आता है अब हमारा इम्पोर्ट ऑफ सर्विस अगर मैं कर रहा हूँ और उसके अगेंस्ट में मैं कंसिडरेशन मतलब पैसा ले रहा हूँ पैसा दे रहा हूँ ठीक है मान लो मैंने इंपोर्ट करा ठीक है इम्पोर्ट मैंने सर्विस करी किसी भी एक सर्विस को मैंने इंपोर्ट किया बाहर से मैंने ठीक है बाहर से मतलब यूएसए से मान लो मैंने ना कोई एक ऐसा हेयर आर्टिस्ट मंगवाया और मैंने अपने बाल की ना मस्त चंपी वंपी कराई मसाज वसाज कराई उसके अगेंस्ट में अब मैं पैसा भी दूंगा ऑब्वियस सी बात है वो मेरा चाचा का लड़का तो है नहीं जो मेरे को फ्री में करके देगा तो मैं उसको क्या करूँगा कंसटेशन दूंगा तो उसको हम क्या बोलते हैं सरकार बेसिकली क्या बोलते हैं वो भी सप्लाई है वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ बिजनेस या फिर बिजनेस है या फिर बिजनेस नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता अगर आपने कहीं से भी बाहर से इंडिया के बाहर से सप्लाई ऑफ इम्पोर्ट मतलब इम्पोर्ट सप्लाई करी है बेसिकली इंपोर्ट सर्विसेज करी है ठीक है सर्विसेज को इम्पोर्ट किया है तो आप लोगों को वो सप्लाई ही मानेंगे और आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा सिंपल सी बात है सरकार को पैसा चाहिए नेक्स्ट आता है हमारा सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन सेक्शन सेवन वन सी के अंदर ये आता है अब विदाउट कंट्री विदाउट कंसडरेशन के अंदर कौन सी अब देखो ये जो हमने आठ टाइप करी सब में पैसा वैसा आ रहा है ये जो हमने चीज़ें करी इसमें पैसा वैसा आ रहा है अब हम लोग बात करने वाले हैं जिसके अंदर पैसा वैसा नहीं आएगा मतलब पैसे नहीं आएंगे बेसिकली उसके अलावा चीज़ें आएंगी ठीक है कंसिडरेशन क्या होता है पैसा वैसा होता है ठीक है आप समझ सकते हो मैं जो बता रहा हूँ ठीक है उससे समझ जाओ सो उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हमारी कुछ चार टाइप्स है इसके अंदर परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट ऑन विच आई टी सी इज़ अवेल्ड मैंने बताया था ना आई टी सी एक आगे टॉपिक आने वाला है जिसको हम लोग इनपुट ट्रेड क्रेडिट कुछ करके बोलते हैं ठीक है तो वो क्या होता है वो तो मैं आगे ही बताऊंगा बट बत हाँ फिलहाल हम लोग इस पॉइंट को पढ़ते हैं परमानेंट ट्रांसफर अगर मैं परमानेंट ट्रांसफर कर रहा हूँ या फिर डिस्पोजल मतलब उस असेट को खत्म कर रहा हूँ मेरी कोई भी एक बिजनेस असेट है ठीक है बिजनेस की मान लो मेरी एक कोई आ, एक ऑफिस है जिसको मैं ना क्या कर रहा हूँ या तो मैं किसी के नाम पे ट्रांसफर कर रहा हूँ या फिर फिर मैं उसको डिस्पोज कर रहा हूँ मतलब हटा रहा हूँ खत्म कर रहा हूँ उसको सो so, उसको भी हम लोग मतलब सरकार एक तरीके से क्या मानती है सप्लाई मानती है और इसके अलावा इसने एक चीज़ और बोली हुई है बिज़नेस असेट ऑन विच आई टी सी ब्लॉग्ड इज इक्वल टू नो सप्लाई मतलब अगर उसके ऊपर आई टी सी नहीं लिया गया उसके है उसके ऊपर आई टी सी ब्लॉकड है उसके ऊपर आई टी सी नहीं मिलता है सो वो क्या होगा वो सप्लाई में नहीं काउंट करी जाएगी बट हाँ अगर मैं नॉर्मली बिजनेस असेट को ट्रांसफर कर रहा हूँ परमानेंट ट्रांसफर किसी के नाम पर करूँ या फिर डिस्पोजल कर रहा, रहा हूँ जिस पर आई सी टी लिया आई टी सी लिया गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं वो एक सप्लाई है लेकिन सेकंड पॉइंट पे आते हैं हमारे सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन मान लो मैं अपनी बीवी मैं अपने बच्चों या फिर मैं अपने एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई इन सब लोगों के रिलेटेड या फिर मैं अपने रिलेटिव हो गया भाई बहन कज़न वजन सब हो गए ठीक है इनके अगेंस्ट में मैं कह रहा हूँ उनके साथ में मैं सप्लाई कर रहा हूँ मस्ट बी इन कोर्स ऑफ बिजनेस मेरा बिज़नेस चल रहा होना चाहिए ठीक है ऐसा नहीं है बिजनेस बंद करके कर रहा हूँ बिजनेस चल रहा होना चाहिए ये कंडीशन लगेगी सप्लाई करिए रिलेटेड या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन को डिस्टिंग पर्सन मतलब एक <coughs> अलग चीज़ होती है जो कि हम आगे भी पढ़ सकते हैं अभी आएगा वो टॉपिक भी रिलेटेड पर्सन कौन होता है रिलेटेड मतलब मैंने बता दिया आप लोगों को पीवी भाई बहन बच्चे बच्चे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई बहुत सारे आ जाते हैं उसके अंदर सो so, मान लो मैं किसी रिलेटेड पर्सन या फिर डिस्टिंग पर्सन को सप्लाई कर रहा हूँ बिजनेस चल रहा है मेरा ठीक है और मैं सप्लाई भी कर रहा हूँ तो उसको भी गवर्नमेंट मानेगी मान लो मेरी दुकान है सिंपल से मैं एग्जाम्पल देता हूँ मेरी दुकान है मैंने अपनी बीवी को सामान भेज दिया ठीक है मेरी बीवी नहीं है लेकिन फिर भी उसको सामान भेज दिया सो उसको भी सरकार बोलेगी कि भैया इसके पैसे में जी लगेगा ठीक है आप फ्री में नहीं दे सकते जीएसटी चाहे मेरी बीवी पे करे चाहे मैं पे करूँ उससे फर्क नहीं पड़ता बट जीएसटी लगेगा नेक्स्ट आता है आप लोगों का सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट और वाइस वर्षा अब प्रिंसिपल टू हिज एजेंट और वाइस वर्षा क्या मतलब भैया तो प्रिंसिपल टू हिज एजेंट का ये मतलब है मान लो मारुति सुजुकी का एक शोरूम है ठीक है उसके अंदर जो एम्प्लॉयर है उसने क्या कि एक जो चली हुई गाड़ी होती है ना मतलब जो टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी होती है अपने एक एम्प्लॉय को बांट दी ठीक है कि ले भाई तू ले ले या फिर एक मारुति सुजुकी का जो बहुत ही हेड है वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश है उसने सारे एम्प्लॉयज को एक, एक एक गाड़ी गिफ्ट कर दी लो भाई तुम सारी गाड़ी एक एक लेके जाओ ठीक है अब उसके अंदर क्या होगा वो भी तो सप्लाई करी गई है या फिर सस्ते रेट पर दिलवा दी गाड़ी तो उसमें भी जी लगेगा चाहे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे चाहे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को दे ठीक है तो प्रिंसिपल और एजेंट कौन होता है समझ सकते हैं आप लोग प्रिंसिपल मतलब मान लो मारुति सुजुकी मेन एजेंट मतलब जो मारुति सुजुकी की शोरूम की फ्रेंचाइजी लेके बैठे हुए हैं वो लोग ठीक है सो उनमें से मतलब उनको अगर मिलती है ऐसे एजेंट्स को मिलती है प्रिंसिपल टू एजेंट या फिर एजेंट टू प्रिंसिपल एजेंट प्रिंसिपल को दे रहा है या फिर प्रिंसिपल एजेंट को दे रहा है दोनों के अंदर ही सप्लाई हो रही है दोनों को ही सप्लाई माना जाएगा दोनों ही केसेस में जीएसटी लगेगा नेक्स्ट आता है हमारा इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज इन कोर्स ऑफ बिजनेस अगर मान लो पहले हमने बात करी थी वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ बिजनेस थी ये बिजनेस हो भी सकता नहीं भी हो सकता है बट अगर बिजनेस होगा ही होगा और तब मैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहा हूँ मान लो किसी बंदे से कोई एक ऐसा बंदा है जो कि बाहर आउट ऑफ इंडिया चंपियो भी देता बहुत बढ़िया मैंने बुलाया भाई चंपी ऊपर भी जाए फिर मैं गया चंपियों में लेके आया गया तो चलो बात अलग है बट मैंने उसको बाहर बुलाया बाहर से मतलब यहाँ इंडिया बुलाया चंपी कर दे भाई मेरे ठीक है उसने चंपी कर दी बढ़िया काम कर दिया या फिर इसको बैठा चंपी वाला एग्जाम्पल हटाते हैं अभी नया एग्जाम्पल लेके आते हैं मेरे को अपनी वीडियो के लिए एक थमनेल बनवा था मैंने बाहर यूएसए से किसी बंदे से थमनेल बनवाया और उसका बिजनेस चल रहा है इस काम का मतलब इस इन सब चीज़ों का वो बिजनेस ही करता है सो वो जो मेरे को बिल भेजेगा ना उस पर जी पे करना पड़ेगा सरकार ऐसा बोलती है ठीक है सो so, ये आप लोगों का हो गया पूरा का पूरा सेक्शन सेवन खत्म यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा हम सेक्शन एट जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई जो कि आज का लास्ट टॉपिक है जल्दी से मैं बताता हूँ कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई क्या कहलाता है कॉम्पोजिट सप्लाई क्या है इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सप्लाई एंड वन इज परमानेंट इसके अंदर हम कह सकते हैं प्रिंसिपल सप्लाई पीएस की फुल फॉर्म आप लिख लीजिए अच्छे से मैं बता रहा हूँ प्रिंसिपल सप्लाई कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सप्लाई इसके अंदर दो या दो से ज्यादा सप्लाई होगी और उसमें से एक सप्लाई क्या होगी प्रिंसिपल सप्लाई ठीक है नेक्स्ट आप लोगों का मिक्स सप्लाई कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सप्लाई मेड टुगेदर फॉर सिंगल प्राइस एक सिंगल प्राइस के लिए मैं दो या दो से ज़्यादा गुड्स की सप्लाई कर रहा हूँ और उसको एक सिंगल प्राइस पे ऐड कर रहा हूँ उसको हम मिक्स सप्लाई बोलते हैं ये नेचुरली बंडल्ड होती है ये नेचुरली बंडल्ड नहीं होती है चार्जर विद फोन अगर मान लो मैं चार्जर की मतलब फोन की सप्लाई कर रहा हूँ फ़ोन के साथ में चार्जर भी बिकता ही है ठीक है चार्जर की केबल तो बिकती है ना उसके ऊपर अलग से जीएसटी लगाऊंगा नहीं भाई वो एडिड होता है साथ में ठीक है उसको हम कॉम्पोजिटिटिटिटिट सप्लाई बोलते हैं या फिर अगर मान लो गिफ्ट्स ऑफ चॉकलेट्स या फिर स्वीट्स चॉकलेट्स और स्वीट्स के ना अब देखो एक जो गिफ्ट रैप होता है गिफ्ट हैम्पर होता है उसके ऊपर कैसे जीएसटी लगता है ठीक है उसके ऊपर एक ऑल ओवर जीएसटी लगाया जाता है नहीं लगाया जाता क्योंकि क्या होता है चॉकलेट्स कौन सी होती है अलग अलग डिफरेंट कंपनीज़ की हो गई एक दस रुपये की एक पाँच रुपये की एक पंद्रह रुपये की कोई मतलब अलग अलग, अलग प्राइजेस की हो जाती है ना उसमें तो वो जो हैम्पर्स बनते हैं उनके अंदर क्या होता है उनके अंदर एक ही जीएसटी लगाया जाता है ऐसा नहीं है कि वो सारी चॉकलेट पर भाई पाँच के हिसाब से दस के हिसाब से पंद्रह के हिसाब से अभी आगे हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं कि कितना जीएसटी किस पर लगता है फिलहाल आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए So, ये था आप लोगों का जीएसटी का यूनिट वन आगे और भी बहुत ही मस्त मस्त वीडियोस आने वाली है तो आप लोग स्टे ट्यून रहिए जीएसटी की वीडियोस को जल्दी से फैला दीजिए अपने दोस्तों के साथ नीचे कमेंट करके बताओ वीडियोस कैसी लग रही है बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में बिक लेते हैं धन्यवाद